हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि कोरोना वायरस के इस महामारी के समय में आप सभी स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घर पर ही होंगे। आज के ट्यूटोरियल में आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जिससे कि आप उन चीज़ों के बारे में भी जान सकते हैं जिनके आपको नाम भी नहीं पता। ये ऐप है गूगल लेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें आप कोई भी वर्ड डाल के उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए गूगल ने गूगल असिस्टेंट का लॉन्च किया था, जिससे आप वॉइस सर्च कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ भी बोलकर उसे सर्च कर सकते हैं। पर समय के साथ ये टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो गई और 2017 में गूगल ने गूगल लेंस ये ऐप का लॉन्च किया। ये ऐप AI टेक्नोलॉजी और डीप मशीन लर्निंग का यूज़ करके आपके फ़ोन से ली हुई किसी भी फ़ोटो से भी डायरेक्टली गूगल सर्च कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ का नाम भी नहीं पता तो आप इस ऐप द्वारा उसकी फ़ोटो लेकर डायरेक्टली गूगल सर्च कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस ऐप से आप टेक्स्ट को कॉपी करना, उसे ट्रांसलेट करना और भी कई सारे काम कर सकते हैं। तो अगर आप इस ऐप को पूरी तरीके से सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये ऐप हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत यूज़फुल है। मान लीजिए आप कभी रोड पे चल रहे हैं और आपको एक ऐसी गाड़ी दिख गई हो जो बहुत ही पुराने मॉडल की है और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि ये कौन सी कंपनी का मॉडल है। तो इस समय में आपको केवल इतना करना है कि गूगल लेंस ऐप से उसका फ़ोटो क्लिक करना है और गूगल आपको ऑटोमेटिकली उस गाड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये किसी भी फ़ोटो में लिखे गए टेक्स्ट को भी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि अगर आप कहीं घूमने गए हैं और वहाँ पे स्ट्रीट साइंस ऐसी भाषा में है जो आपको नहीं पता, तो आपको हर बार किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इतना करना होगा कि ये ऐप ओपन करके उस साइन की फ़ोटो लेनी होगी और वो साइन आपकी मनपसंद भाषा में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस ऐप का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गूगल लेंस ऐप कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर आप गूगल लेंस ऐप डाउनलोड कीजिए। ये ऐप डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, ये है ट्रांसलेट का। इससे आप एक भाषा में लिखे गए टेक्स्ट को दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक इंग्लिश में लिखा हुआ टेक्स्ट है तो इसे मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग्स को चेंज करना होगा। जैसे कि ये ऑटो डिटेक्ट से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, पर मुझे अभी इसे इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये लैंग्वेज सेटिंग ऐसे चेंज करके इसे अप्लाई कर दूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास एक इंग्लिश का टेक्स्ट है, तो जैसे ही मैंने उस टेक्स्ट पे मेरा फ़ोन को फोकस किया है तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट यहाँ पे जो इंग्लिश में था वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे टैप करके मैंने इसका फ़ोटो ले लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक है कॉपी का ऑप्शन और एक है ओपन इन गूगल ट्रांसलेट। तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर दूँगी। अब ये टेक्स्ट मेरा क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया है। इसे आप दूसरे जगह पे पेस्ट करके
फिर पूरा टेक्स्ट देख सकेंगे। तो जो टेक्स्ट मैंने वहाँ पे कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया है और उसे मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो इंग्लिश का टेक्स्ट जो हमने वहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करके कॉपी किया था वो यहाँ पे अब पेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम इस गूगल लेंस का ट्रांसलेट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है कॉपी टेक्स्ट का ऑप्शन। अगर आपको लिखा हुआ टेक्स्ट एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट नहीं करना है और आपको सिर्फ उसका फ़ोटो लेके वो टेक्स्ट को एक रिटन फॉर्मेट में लिखना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके पास जो टेक्स्ट है आप उसका इमेज ले सकते हैं और आप उसका गूगल सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट है इसके ऊपर मैंने कैमरा ऑन किया है तो ये टेक्स्ट यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है। अब मैं इसकी यहाँ पे फ़ोटो लूँगी। तो यहाँ पे जो इसने टेक्स्ट डिटेक्ट किया है उसके लिए यहाँ पे आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट के ऑप्शन में आप जाके ये टेक्स्ट अब आपका कॉपी हो चुका है तो अब आप इसे कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर ये एक छोटा सा फ्रेज़ है जिसका मतलब आपको गूगल पे सर्च करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके लिए नीचे ये टेक्स्ट कॉपी होके उसका गूगल सर्च भी आ रहा है। क्योंकि ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है इसीलिए इसका गूगल सर्च नहीं हो पाया है। तो इस तरह से हम गूगल लेंस का ये कॉपी टेक्स्ट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब जो ये थर्ड ऑप्शन है सर्च का इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लांट है जो मुझे पता नहीं कि कौन से वैरायटी का है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए पहले मैं यहाँ पर टैप करके इसका फ़ोटो लूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ रिज़ल्ट में मुझे ये दिखा रहा है कि ये कौन सा प्लांट है। इसके बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे आ गई है और यहाँ पे आप गूगल सर्च पे क्लिक करके इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं और यहाँ पे शेयर करने के लिए भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब आ जाते हैं इसके शॉपिंग कार्ट के ऑप्शन में। दोस्तों मान लीजिए कि आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है पर आपको पता नहीं कि वो चीज़ आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं या आपको ये भी नहीं पता कि उसे बोलते क्या हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास एक ये चीज़ रखी हुई है और मुझे जानना है कि मैं ऐसी और एक चीज़ कहाँ से ख़रीद सकती हूँ तो मैं इसका सबसे पहले एक फ़ोटो लूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टेंटली मुझे रिजल्ट्स मिल गए हैं। ये चीज़ मैं कहाँ कहाँ ख़रीद सकती हूँ, इसके क्या प्राइस रेंज होंगी और इसकी वैरायटी क्या होगी, ये सब भी मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मिल गए हैं। तो इस तरह से हम ये शॉपिंग कार्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपको एक और भी ऑप्शन मिल जाएगा जो है गैलरी से फ़ोटो लेने का, यानी कि अगर आपने फ़ोटो पहले से ली हुई है और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ पे गैलरी के ऑप्शन पे टैप करके भी फ़ोटो सेलेक्ट करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अब आप सभी को गूगल लेंस ऐप का यूज़ करना आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या आप फ्यूचर में कौन से ऐप्स पे वीडियो देखना चाहेंगे वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए